नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के लिए हम लोग एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग न केवल ऑब्जेक्टिव हिंदी की डेली बेसिस पर बहुत फोकस्ड तैयारी करा रहे हैं, उसके साथ ही हम लोग ऐसे या ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर होता है उसके लिए भी प्री कम मेंस को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो तैयारी हो बहुत समग्र तरीके से हो सके। इसके लिए हम लोग डेली बेसिस पे कुछ एक चीजें देते हैं, जिसमें आपकी महज 12 से 15 मिनट का हमारा वीडियो रहता है, जिसको आपको डेली देखना है, और साथ में उसके एक PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। जो लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं उससे अवगत हैं तो आप एक बार जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो इस वीडियो के नीचे रहता है उसमें उसका जिक्र है, वहाँ पर उसका लिंक है, आप उससे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये डेली बेसिस पे PDF मिल जाती है। आपको करना केवल इतना है कि आपको 12 से 15 मिनट का ये वीडियो देखना है, और साथ में 15 से 20 मिनट ही आपको लगेंगे कि वो आप जो एक पेज का केवल एक PDF है उसको आप लोगों को डेली बेसिस पे अपना याद करते चलना है, साथ ही हफ्ते हफ्ते में रिवाइज करना है। फिलहाल आज हम लोग का ये दूसरा दिन है हिंदी ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली चीज कि देखिए ऐसे कोटेशन जो निबंध के लिए हम लोग के उपयोगी उद्धरण होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो है, हम नहीं जानते चिरागों ने क्यों अंधेरों से दोस्ती कर ली। ये बशीर बद्र साहब का शेर है, जो कि बहुत ही एक प्रख्यात शायर हैं, और यहाँ पर इनका मतलब यह है कि जैसे हम नहीं जानते चिरागों ने चिराग का मतलब, चिराग का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रकाश देना, प्रकाश फैलाना, वो खुद अंधेरों से दोस्ती कर लें, मतलब कि अंधेरों से उनकी दोस्ती हो जाए, यानी कि जो खुद जिसका मकसद है प्रकाश फैलाना उसकी खुद ही दोस्ती जो है वो अंधेरों से हो जाए। जैसे आप एक फिल्म थी हमारे ख्याल से ऐसे किशोर कुमार की ऐसा कुछ था कि जिसमें एक गाना भी था कि मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, ऐसे करके था, एग्जैक्ट गाना तो हमें नहीं याद आ रहा है, ऐसे कोई दुश्मन जो घाव लगाए मनमीत जिया बहलाए, और मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दुश्मन घाव लगाता है तो जो आपका मीत होता है यानी दोस्त होता है वो उसको बहला लेता है, सही कर देता है, लेकिन जब दोस्त ही वो घाव जो है लगा रहा है तो उसे कौन मिटाएगा। तो यानी कि जिसका काम यहाँ पे प्रकाश देने का था वो स्वयं ही अंधेरों से दोस्ती कर ले रहा है। तो ये वास्तव में हमारे समाज के लिए एक बहुत ही चिंताजनक वाली स्थिति होती है, और इसका हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो अच्छा, ये जो मैंने अभी गाना बोला इसको भी आप लोग आप अपने साथ में नोट कर लेंगे तो इसको भी आप प्रॉपर जो है कोट कर सकते हैं आप अपने निबंध में। इसको कोई इसमें शंका ना रखिए कि आप, हाँ ये जरूर है कि जो आजकल के नए गाने होते हैं उनको कोट करने से बचिएगा, लेकिन पुराने गानों को अगर आप कोट करते हैं तो आपको उससे बहुत एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं उसका एक कारण बताऊं तो देखिए जितने भी आपके ज़्यादातर जो भी कॉपी चेक करने वाले रहते हैं वो सभी एक अच्छी खासी उम्र के रहते हैं, प्रोफेसर लेवल के रहते हैं, और ये मान के चलिए जैसा कि एक प्रेमचंद ने बहुत व्यंग्य टाइप का उन्होंने किया था, शायद ये लाइन गोदान की है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बूढ़े हैं बूढ़ों के लिए अतीत जो है बहुत सुनहरा होता है, वर्तमान जो है वो बहुत चिंताजनक होता है, और भविष्य तो एकदम सत्यानाश होता है। तो उनसे कोई भी बात पे पूछ लीजिए वो हमेशा इसी तरह की बातें वो करते हैं कि अरे पहले का समय तो बहुत अच्छा था, आजकल तो भैया सब बेकार, अरे आगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो ऐसा उन लोग का मानना रहता है। तो ऐसे ही आपके जो एग्जामिनर हैं यानी जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, अगर उनमें आप ये बात कर देंगे कि ये जो है पुराना गाना आप उसको जिक्र कर देंगे तो उनको वो चीज़ बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उन लोग का भी एक कॉमन धारणा है कि आजकल के तो गाने भैया बहुत बेकार हैं। तो उस लिहाज से भी ये गाना आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे ख्याल से अमर प्रेम मूवी का है शायद ये गाना, और इस कोटेशन को हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए एक राजनीति का अपराधीकरण करके इसमें एक टॉपिक आता है, इसमें मतलब ये है कि आजकल जैसे राजनीति में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपराधिक तत्व जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है। अब ये देखिए अपराधी अगर हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पे आ में मात्रा नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग आपराधिक तत्व तो बोलेंगे तो वहाँ पे आ में मात्रा होगी, क्योंकि जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो आगे आ में एक डंडा और खिंच जाएगा।
ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अभी इसको हम लोग आगे जो शुद्ध अशुद्ध कर रहे होंगे उसमें हम इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, उसमें हम लोग जो है इसको देखेंगे। फिलहाल देखिए कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बस बस इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि चार्जर इससे कनेक्ट कर दीजिए। इसको हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे राजनीति में जो बहुत ज्यादा आपराधिक तत्वों की इस समय संख्या बढ़ती जा रही है उसमें हम आजकल देखते हैं, जैसे आपका राहत इंदौरी साहब का भी एक शेर है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी बात कही जा रही है कि हम नहीं जानते चिरागों ने क्यों अंधेरों से दोस्ती कर ली, यानी जिनका काम था हमारे लिए बेहतर करना, हमें रास्ता दिखाना, समाज को रास्ता दिखाना, वे खुद ही उन लोगों से संलिप्त हैं जो समाज में अंधेरा फैला रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण इस तरह के टॉपिक में इसको आसानी से डाल सकते हैं, या फिर आपको कहीं मान लीजिए ऐसा कुछ इसमें संदर्भ आ जाए कि प्रशासनिक जो है गठजोड़ मिलता है असामाजिक तत्वों के साथ, तो उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके के आप कुल मिला के आप जब ऐसे कोटेशन का अर्थ समझ गए हैं तो आपको उसको प्रयोग करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। कई लोग क्या होता है कि बस केवल ये तो रट लेते हैं पर ये नहीं समझ पाते कि इसका प्रयोग कहाँ पे करना है, क्योंकि वो उसका मतलब नहीं जान पाते हैं, तो फिर वो कुछ कुछ वैसी स्थिति हो जाती है जैसे थ्री इडियट्स में रेंचो की हो गई थी, तो आप वो भाषण कनेक्ट कर सकते हैं उसको। फिलहाल अभी हम लोग अपने अगले जो डेली हमारा टारगेट है उसमें अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए शुद्ध अशुद्ध शब्द, ये आपको पता है कि काफी कंफ्यूजिंग होता है जब भी पेपर में आता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला है वो है सहस्त्र, और सहस्त्र जो है वो ज्यादातर लोग जो लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, सहस्त्र में ये जो है आधा सौ त्र बना देते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या है तो ये सहस्त्र होता है, सहस्त्र मतलब हजार, तो सहस्त्र जो है ये स में ही एक र की मात्रा ये नीचे से निकली रहती है, इसमें ये त्र नहीं होता है। चूंकि ये दोनों एक ही तरह का दिखता है तो इसलिए लोग समझते हैं कि ये मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है, पर ये गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्तनी शुद्धि में ये चीज आती है। उसके बाद देखिए षष्ठम, षष्ठम जो है लोग समझते हैं कि ये सही वर्ड है, ये संस्कृत से आया है, परंतु षष्ठम ना होके ये षष्ठ होता है। ठीक है, षष्ठ मतलब छह, तो ये जो है आपका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए एक शब्द होता है आकांक्षा, बहुत सारी लड़कियों का नाम भी होता है, बहुत कॉमन नाम है आकांक्षा, और साथ ही मतलब लोग बुलाते हैं तो वो तो पक्का आकांक्षा ही बुलाते हैं, वो पूरा उतना जो है कौन बोले, तो इस चक्कर में वो आकांक्षा को जो है वो बोलते बोलते आकांक्षा पे लाया, जबकि वास्तव में सही वर्ड है आकांक्षा, मतलब आगे जो है एक इसमें अ पे डंडा और है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है तद्भव तत्सम, तो डेली बेसिस पे केवल तीन तीन ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे इसकी क्रमशः संख्या बढ़ाई जाएगी, फिर इसको पांच किया जाएगा, सात किया जाएगा, ऐसे करके हम लोग क्रमशः संख्या बढ़ाएंगे। अभी देखिए अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो आप इस तनाव में बिल्कुल ना रहिए कि हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं अगर हम लोग केवल तीन तीन करेंगे। वास्तव में आप इन डेली टारगेट्स को करिए, और उसके साथ में आप जो पिछला भी जो है उसको भी रिवाइज करते रहेंगे, तो आपका ये अल्टीमेटली बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और इतना ही एक टारगेट अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए तद्भव तत्सम में देखते हैं, तो एक शब्द होता है कपड़ा, कपड़ा जो है वो करपट से बना है, यानी तत्सम का शब्द करपट था, उसको हम लोग ने सरल करते करते कपड़ा बोलने लगे। ठीक है, करपट, और एक इसी से मिलता जुलता है करकट, तो करपट और करकट, करकट बना है केकड़ा से। अब देखिए यहां पे दो का है, वैसे ही यहां पे दो का है, तो और ऐसे ही यहाँ पे कप है, तो यहाँ पे कपड़ा, इसमें भी कप है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं करपट से कपड़ा बना है जबकि करकट से आपका ये केकड़ा बना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, उसके बाद देखिए होली जो है मतलब नीचे नीचे होली जो आपका है वो बना है होलिका से, आप लोग देखते होंगे होलिका दहन होता है, तो वैसे ही होली जो है वो होलिका से बना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें अगर हम लोग देखें, देखिए ये सब चीजें आप लोग पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहता है हमेशा कि आप इन शब्द को न केवल पढ़िए, इनको याद करिए, बल्कि इनका प्रयोग करना भी सीखिए, क्योंकि जो आप लोग कई बार पूछते हैं कि निबंध के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द नहीं है,
तो फिर वहां पे अगर आप इस तरह के शब्द यूज करेंगे जो विलोम में है या इधर शुद्ध अशुद्ध, आप शुद्ध शब्दों का प्रयोग कीजिए, इसी प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, तो ना केवल आपके जीएस मेंस में आंसर्स जो हैं या एसए में आंसर्स जो हैं वो आपका वर्ड लिमिट के अंदर रहेगा, बल्कि उसमें आपका शब्द सौष्ठव, आपका जो शब्द भंडार है वह भी एक समृद्धशाली तरीके से आपकी कॉपी में आप एग्जामिनर को नजर आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला बोलते हैं आक्रांता। आक्रांता मतलब जो बाहर से आया है या मतलब आक्रमण कर रहा है, आक्रांता मतलब आक्रमण करने वाला, जबकि जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत। तो यानी जिस पर आक्रमण हो तो वो आक्रमित या आक्रांत बोलते हैं उसको, और जबकि आक्रांता यानी इसी में केवल एक डंडी और खिंच जाए तो ये हो जाता है आक्रमण करने वाला। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए जो कहा, इसको अगर याद ही करना हो तो मैं तो ये कहूंगा जैसे आक्रमण करने वाला, ये आवाज कम कर, आक्रमण करने वाला जैसे है तो आक्रमण करने वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो करने आता है तो वो उसमें उसके पास एक डंडा रहता है, डंडे से वो मान लीजिए आक्रमण कर रहा है, तो इसको आप याद इस तरीके से कर सकते हैं कि आक्रांत के ऊपर ये जो डंडा है इसके पास, उसी से वो आक्रमण करता है। तो एक याद करने की छोटी ट्रिक है वो उसमें। फिर देखिए जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसका मतलब अकथ्य। अकथ्य आपको पता है, कथ्य मतलब कहना, कथित या कथ्य ऐसे करके, कथित मतलब कहा हुआ, कथन मतलब जो हमारा कहा जाता है वो चीज, और कथ्य मतलब जो कहा जा सके, अकथ्य उसी में आ लग गया तो जो कहा ना जा सके, ऐसे करके जो है हमारे ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। और ये सारे ही लगभग पूछे गए हैं, और जो नहीं भी पूछे गए हैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा वो चूंकि इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सारा केवल वही नहीं कवर करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बल्कि उसके साथ में कुछ एक चीज़ें, हमारी कोशिश रहती है कि 60% आपका रिपीटेड प्रश्न हो और 40% जो है ये आपका नया मैटर हो उसमें, ताकि क्योंकि रिपीटेड आपको करना है तो फिर तो सिंपल है कि आप घटनाचक्र से सारी चीज़ें डाल दीजिए, उसी को पढ़ लीजिए, परंतु वो फिर उद्देश्य नहीं रह जाएगा। और धीरे धीरे इसमें जो जो नए हमारे टॉपिक्स हैं, नए नए जो आपके शब्द हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिपीटेड वाले वो कम होने लगेंगे। अब इसमें देखिए विलोम शब्द में देखें तो एक होता है मूकता, मूकता या मूक, मूक का मतलब वाचालता, इसका उल्टा जो होगा वो मूकता का वाचालता, अगर यही मूक केवल आ जाए तो मूक का हो जाएगा वाचाल, और वाचाल का मतलब आपको पता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, मूक का मतलब जो मौन रहता है, ये समझ लीजिए आप जैसे मूकता है तो वो हो जाएगा आपके मनमोहन सिंह, और वाचालता का मतलब आप समझ ही रहे हैं, तो वैसे आप समझ सकते हैं। बाकी ये श्लील, श्लील देखिए ये बना है, अश्लील इसका उल्टा है, अश्लील का मतलब सबको पता है और उसका उल्टा जो है वो श्लील है, ये कम लोगों को पता रहता है, पर ये जो है आपको याद रखना है कि श्लील का अश्लील या अश्लील का श्लील। उसके बाद देखिए निगुरा, निगुरा का मतलब जिसका कोई गुरु ना हो, और सगुरा का मतलब जिसका गुरु हो, तो निगुरा का उल्टा हो जाएगा सगुरा, और इसी से मिलता जुलता एक होता है निर्गुण, तो निर्गुण का उल्टा हो जाता है सगुण, तो वैसे ही यहाँ पे ये भी है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं उन पे अगर हम लोग देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें सबसे पहला है कपड़ा, बहुत ही कॉमन शब्द है कपड़ा जो है, कपड़ा का आपको पता ही है वस्त्र बोलते हैं, वस्त्र से ही मिलता जुलता यहाँ पे वसन हो जाता है, वस्त्र से ही मिलता जुलता है ये। उसके बाद चीर, चीर आपको पता होगा चीर हरण जैसे द्रौपदी, उससे रिलेटेड चीर का मतलब भी कपड़ा होता है। ठीक है, अंबर मतलब भी कपड़ा होता है, लेकिन अंबर का मतलब एक आकाश भी होता है। तो देखिए अगला जो वहां वर्ड है वो आकाश है, और आकाश का मतलब एक अंबर का मतलब होता है आकाश, और जबकि एक अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो ठीक है, तो ये वस्त्र वसन हो गया कपड़े का, साथ में अंबर चीर, पट, पट भी कपड़ा से मतलब है, और परिधान, ये जरा हटा दीजिए कर्सर यहां से, ये परिधान है, परिधान का मतलब भी कपड़ा हो गया, जैसे आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको कुछ लोग चिढ़ाते हुए उनको प्रधानमंत्री ना कह के बल्कि परिधान मंत्री कहते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये आक्षेप रहता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े बदलते हैं, बहुत स्टाइल में रहते हैं, खैर ये उनका अपना पर्सनल मामला है, पर लोग ऐसा कहते हैं। आगे देखते हैं कि आकाश जो है, आकाश का आप लोगों को पता है आकाश का मतलब गगन, आसान है गगन सबको पता है, नभ, नभ भी आसान है सभी ने सुना है। अंबर, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंबर का दो मतलब है, एक कपड़ा एक आकाश,
व्योम व्योम जो है आप शायद जो आप लोग अगर देखे हो DD1 पे एक जो है नेशनल टीवी पे एक प्रोग्राम भी आता था कैप्टन व्योम करके, तो उससे वो भी जो है आकाश से ही रिलेटेड वो प्रोग्राम था। तो आकाश और व्योम ये हो गया, अंतरिक्ष भी सबको पता है, अनंत भी बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में अभी देखिए आकाश की पूरी खोज की नहीं जा सकी है कि कितना ज्यादा फैला हुआ है, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है जिसकी अभी गणना ही नहीं की जा सकती है, तो इसलिए इसको अनंत भी बोल दिया जाता है। अनंत का मतलब भी यहाँ पे आकाश से ही लिया जाता है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, तो अगले में देखिए आंख, आंख को जो है ये अक्ष बोलते हैं, आंख को ही चक्षु बोलते हैं, तो अक्ष और चक्षु देखिए दोनों मिलता जुलता है, तो आंख को चक्षु और अक्षी, ठीक है। लोचन और नयन ये दोनों मिलता जुलता है, आप जैसे भगवान श्री राम को बोलते हैं राजीव नयन या राजीव लोचन, तो ऐसे करके कि मतलब उनकी आंख जो है वो कमल के समान सुंदर थी, तो ऐसे करके जो है वो आंख को अक्षी और चक्षु साथ में लोचन नयन, नेत्र आपको पता ही है कि आसान है तो वो मतलब सभी को पता रहता है। दृग, दृग भी मतलब काफी लोग जानते हैं, दृग का मतलब भी आंख होता है, और एक नया वर्ड है यहाँ पे अंबक, तो अंबक आपको याद करना है कि अंबक का मतलब आंख, ठीक है। अंबक हो गया, दृग हो गया, अक्षी हो गया, ये तीन आपको मेन जो है नए वर्ड मिले हैं जो कि आपको याद करने हैं। इसको और थोड़ा नीचे कर दूं। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली, ये मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको एग्जैक्ट जो है सही याद करना है, और ये 20 नंबर का आपकी मेंस की परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसको अगर तीन तीन करके, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और आमतौर पर लोग इसे नहीं कर पाते हैं मेंस के टाइम पे, बहुत बड़ा एक बर्डन हो जाता है लोगों के सामने, तो इसलिए इसको अभी से ही आप लोग करते हुए चलिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, वैसे तो बाकी एक पूरी लंबी फहरिस्त है आप कितना करेंगे। तो देखिए एम्बेसडर, एम्बेसडर आप सभी लोगों को पता है कि भारत के जो है विभिन्न देशों में एम्बेसडर होते हैं, या अलग अलग देशों के भारत में एम्बेसडर हैं, तो कुल मिलाकर एक देश का प्रतिनिधि आप उसको कह सकते हैं, तो वो होता है एम्बेसडर को हिंदी में बोलते हैं राजदूत, राजदूत और ये एम्बेसडर, ठीक है। राजदूत भी एक बहुत पुरानी बुलेट है और एम्बेसडर भी आप लोग पता है बहुत पुरानी गाड़ी है, तो ऐसे करके भी आप लोग याद कर सकते हैं। बहरहाल एम्बेसडर का मतलब राजदूत। और हाँ एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो प्रशासनिक शब्दावली है इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलती है, एक भी स्पेलिंग अगर आपने गलत लिख दी है तो आपका नंबर कटेगा, ये आप तय मान के चलिए। एक बहुत ही मतलब आरओ का जो मेंस होता है उसमें बहुत रिफाइंड वे में सारी चीजें आपसे अपेक्षा की जाती हैं कि आपको पता हो, तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। देखिए एम्बेसडर मतलब राजदूत, वही देखिए इसी से मिलता जुलता है एम्बेसी, एम्बेसी का मतलब राजदूतावास, यानी विभिन्न देशों में ये राजदूत जहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं राजदूतावास, एम्बेसी। और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज के हिसाब से एक जानकारी आपको और दे दें कि किसी भी देश में अगर जो उसका राजदूतावास होता है यानी कि एम्बेसी होता है, वो वास्तव में उस देश का हिस्सा नहीं माना जाता है। मतलब भारत में अगर जो हमारा मान लीजिए चीन का अगर कोई राजदूतावास है तो ये वास्तव में हमारे देश का हिस्सा नहीं माना जाएगा वो, क्यों अगर मान लीजिए वहां पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो किस देश का नागरिक माना जाए, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी ये कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती हैं, वो जब आपको संविधान पढ़ाएंगे तो आपको सारा चीज बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल देखिए कि एम्बेसी का मतलब राजदूतावास, और कमेटी, कमेटी का मतलब होता है समिति, ये लगभग ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कमेटी का मतलब होता है समिति, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है। अब कमेटी की स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है, यहां पे तीन डबल्स आते हैं, तीन डबल्स, ये एक थोड़ा यूनिक टाइप का हो जाता है, COMMII TEE, तो कमेटी का COMMII TEE, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए आपका UPPCS मेंस में आपका ये 30 नंबर का आता है और आरओ में ये आपका 10 नंबर का आता है। देखिए पहला है पौ 12 होना, तो पौ 12 होना का मतलब खूब लाभ होना, पौ 12 होना ये कॉमन मुहावरा है, कई बार पूछा गया है चीज, तो पौ 12 होना का मतलब खूब लाभ होना। उसके बाद देखिए सिर उठाना, सिर उठाना का मतलब होता है विरोध करना, मतलब हम उसके जैसे मान लीजिए कोई अत्याचार के खिलाफ वो सिर उठा रहा है, तो सिर उठाना का मतलब होता है विरोध करना, और अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये तीनों ही आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं।
चाहे वो आरओम पूछे गए हो या फिर यूपी पीसीएस अपर पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हो, परंतु तीनों पूछे गए हैं और कई कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, अपना समूह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना, मतलब शर्मसार हो जाना। तो अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना, ये एक छोटा सा मटेरियल केवल एक पेज में आ गया है। इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जा रहा है, और इतने भर से ही आपका ये मान के चलिए कि जो आपकी डेली बेसिस पे आपको पकड़ के चलना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, तभी हम लोग बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, वैसे ही हम लोग की एक समग्र तैयारी थोड़ा थोड़ा करके रोज स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा ना करिएगा कि बस एक दिन हम एक ही दिन में सारे वीडियो देख लें या एक ही दिन में बैठ के सारा ये याद कर लें, उससे बचिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको पढ़ें, फिर इसको दो तीन दिन में रिवाइज कर लें, और फिर उसके बाद महीने में एक बार रिवाइज कर लें। ऐसे करके आप चलेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि हम लोगों का ये अभी जो शुरुआती मामला है, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट पढ़ा न करके बल्कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी होता है कि ये इसमें ये चीज़ रहेंगी, तो ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी ये इस प्रोग्राम से अवगत हो जाए। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें 15 मिनट से ज़्यादा आपका पूरा ये मैटर ना जाए, ताकि आप लोगों का जो प्रेसियस टाइम है वो भी ना वेस्ट हो। और बाकी जो लाइक सब्सक्राइब ये सब तो मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को समय बचे, जिसको पसंद आएगा वो अपने आप कर ही देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।